नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहाई न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षक नियोजन पर शिक्षा विभाग ने लगा दी रोक। बिहार सरकार गांवों के विद्यार्थियों को कराएगी नीट और जेईई की तैयारी। बिहार बोर्ड ने जारी किया 11वीं का डमी एडमिट कार्ड। बिहार के 22 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश। भारत के स्टार बल्लेबाज को लेकर पाकिस्तान ने दी प्रतिक्रिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षक नियोजन पर शिक्षा विभाग ने लगा दी रोक। शिक्षा विभाग द्वारा छठे चरण के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 2016 से 18 तथा 2017 से 19 सत्र में शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री लेने वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है, जबकि आज ही नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। हालांकि पटना की नियोजन इकाइयों में रोक नहीं लगी है। यह रोक राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दायर LPA पर पटना हाईकोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के अनुपालन में लगाई गई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। अब विभाग द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि 2016 से 2019 तक बीएड करने वाले अर्थात वैसे अभ्यर्थी जो 13 जनवरी 2020 और 31 जनवरी 2020 के विभागीय आदेश से आच्छादित है, उनके नियोजन पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। हालांकि इन्हें छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को बुधवार को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने PFI पर 5 साल का लगाया बैन। केंद्र की मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि कई राज्य से संगठन PFI को प्रतिबंधित करने की मांग हो रही थी। हाल ही के कुछ दिनों में NIA और कई राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने PFI के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने PFI को 5 साल प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। जानकारी के मुताबिक PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। बिहार के 22 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश। गया जिले के डुमरिया व वजीरगंज प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल कुल 22 शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम ने संबंधित नियोजन इकाइयों को दिया है। बता दें कि निर्देशित किए गए सभी शिक्षकों के BET व CTET सर्टिफिकेट CD से मिलान करने पर फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान इनमें कई शिक्षकों का वेतन 2018 व 2019 से बंद है। डुमरिया में सबसे अधिक 19वां, वजीरगंज में 3 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई करने का पंचायत नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया गया है। डुमरिया में 1 माह पहले 16 फर्जी शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया जा चुका है। BCA के ट्रायल के लिए पटना अंडर 16 क्रिकेटरों का चयन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने आयोजित अंडर 16 मेंस सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने वाले पटना जिला के खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी है। सूची बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के CEO को सौंप दी गई है। बता दें कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के घरेलू क्रिकेट की शुरुआत दलीप ट्रॉफी से हो चुकी है। इस सत्र में रणजी, विजय हजारे, वीनू मांकर क्रिकेट, मुस्ताफ अली T20 समेत कई अन्य टूर्नामेंट भी होने हैं। इसके लिए बिहार अंडर 16 क्रिकेट टीम का चयन 28 सितंबर को होगा। इस शिविर में पटना के टॉप 18 क्रिकेटर शामिल होंगे। लालू यादव को कोर्ट से मिली सिंगापुर जाने की इजाजत। कथित IRCTC घोटाले में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को राहत मिली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू को इलाज के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत दे दी है। लालू यादव 10 से 25 अक्टूबर के बीच सिंगापुर जा सकेंगे। फिलहाल IRCTC घोटाले में वे जमानत पर है। लालू यादव ने पिछले दिनों कोर्ट से सिंगापुर जाकर इलाज कराने की परमिशन मांगी थी। इससे पहले रांची के CBI स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को पासपोर्ट रिलीज किया था। बता दें कि लालू यादव को किडनी, लीवर और हार्ट संबंधी बीमारियां हैं। कई दिनों तक वे दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती रहे थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें सिंगापुर जाकर इलाज कराने की सलाह दी थी। बिहार सरकार गांवों के विद्यार्थियों को कराएगी नीट और JEE की तैयारी। बिहार सरकार गांवों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नीट और JEE जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराएगा। CM की अध्यक्षता में हुई हालिया बैठक में शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में तैयारियां शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग इस संदर्भ में जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसके अलावा मध्यान्ह भोजन में जीविका समूह के माध्यम से मध्यान्ह भोजन आपूर्ति में लगाने के संदर्भ में विचार किया गया। बैठक में शैक्षणिक स्तर 2023-24 की प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तिकाएं छपवाने के निर्देश भी दिए गए। इन पुस्तकों के साथ प्रत्येक बच्चे को एक ऐसी डायरी उपलब्ध कराने की बात की गई, जिसमें सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी गई हो।
बिहार बोर्ड ने जारी किया है 11वीं का डमी एडमिट कार्ड। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा क्लास 11वीं के डमी एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। वे कैंडिडेट जिन्होंने 2022 से 24 की क्लास 11वीं की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया हो, वे 11वीं के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। वहीं यह एडमिट कार्ड 27 सितंबर से 29 सितंबर 2022 के बीच ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गलती निकलती है तो कैंडिडेट्स 29 सितंबर 2022 के पहले यानी कल के पहले अपने अकाउंट में लॉगिन करके उसे सुधरवा सकते हैं। रवि किशन के साथ 3.25 करोड़ की ठगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने मुंबई के एक व्यापारी के खिलाफ 3.25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया है। इस बात की जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई है। पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में रवि किशन ने पूर्वी मुंबई निवासी जैन जितेंद्र रमेश नाम के एक व्यक्ति को 3.25 करोड़ रुपए दिए थे और जब उन्होंने उसे पैसे वापस करने के लिए कहा तो उसने उसे 34 लाख के 12 चेक दिए और जब सांसद ने 7 दिसंबर 2021 को भारतीय स्टेट बैंक की बैंक रोड गोरखपुर शाखा में 14 लाख का एक चेक जमा किया तो वह चेक बाउंस हो गया। लगातार पैसे मांगने के बावजूद जब व्यवसायी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो सांसद ने पुलिस में शिकायत की। 75 साल में पहली बार गांव के युवक को मिली सरकारी नौकरी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के सोहागपुर गांव में पहली बार किसी युवक को सरकारी नौकरी मिली है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी खुशी है। आजादी के 74 साल पूरे होने पर भी पूरे गांव में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई थी, पर गांव के ही युवक राकेश कुमार ने इस मिथक को तोड़ा और सरकारी शिक्षक बन गए। राकेश ने गाँव में शिक्षा दीक्षा के बाद एमकॉम की पढ़ाई दरभंगा यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद राजस्थान से बीएड की परीक्षा पास की। इसके बाद बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई और इसमें वह सफलता हासिल कर अपने मुकाम तक पहुंच गए। राजगीर में साल के अंत तक FSL लैब होगी चालू। राजगीर में बन रहा FSL लैब इस साल चालू हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक उपकरण लगाए जा रहे हैं। इस पर करीब 6 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च होगी। इधर बिहार सरकार ने सभी प्रमंडल मुख्यालय तथा 28 जिलों में नवसृजित विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए स्थानीय पुलिस लाइन परिसर में भूमि को चिन्हित करने का भी काम शुरू कर दिया है। बता दें कि SCM ने कुछ दिन पहले FSL के निदेशक के साथ राज्य की सभी प्रयोगशालाओं के कार्य और संसाधनों की समीक्षा की थी। निदेशक ने SCS ग्रीक की जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार सभी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं से 3099 नमूनों की जांच लंबित है। सीएम नीतीश की फिसली जवाब तो भाजपा हुआ हमलावर। पटना के ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई। उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया, जिसके बाद से बीजेपी सीएम नीतीश पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को तेजस्वी यादव के हाथों सौंप दिया है। नीतीश कुमार ने एक तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस बिहार को उन लोगों ने जंगल राज से मुक्त कराया था और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, आज उसे बिहार को एक बार फिर तेजस्वी यादव के हाथों सौंपा जा रहा है। बिहार की जनता सब देख रही है, समय आने पर जवाब देगी। औरंगाबाद के DMSP पर पटना हाईकोर्ट सख्त। औरंगाबाद के DM और SP की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। औरंगाबाद DM पर झूठा हलफनामा जमा करने का आरोप लगा है। इस मामले में अब पटना हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है और DM को तलब किया है। अब DM पर बड़ी कार्रवाई संभव है। वहीं औरंगाबाद के SP से भी हाईकोर्ट ने एक मामले में जवाब मांगा है। दरअसल न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने अतिक्रमण हटाने के बारे में हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था, जिसके कहा गया था कि अब अतिक्रमण हटा दिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से कोर्ट कमिश्नर से स्थल निरीक्षण जांच कराई गई तो पाया गया अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, जिसके बाद इस मामले को लेकर कोर्ट ने DM को तलब किया है। मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया बड़ा ऐलान। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक मंच से कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बिहार में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर मेरी बिहार के सांस्कृतिक एवं कला मंत्री जितेंद्र राय से बात हुई है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात करेंगे, जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बिहार में ही बिहार के कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिले, जिससे यहां से कलाकारों को बाहर नहीं जाना पड़े और यहां बड़े बड़े कलाकार बने। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने की भी अपील की।
भारत के स्टार बल्लेबाज को लेकर पाकिस्तान ने दी प्रतिक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के मुरीद हो गए हैं। कनेरिया सूर्य की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि बहुत जल्द यह बल्लेबाज सबको पीछे छोड़ देगा। दानिश कनेरिया ने कहा कि सूर्य कुमार यादव सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है। अपने 360 डिग्री प्रदर्शनों की सूची के साथ मैं कहूंगा कि स्काई ऊंचा है, उसके खेलने का एक अलग तरीका है। जिस तरह से वह बल्लेबाजी करता है वह सभी को पीछे छोड़ देंगे। इसके साथ ही उन्होंने विराट कोहली की भी सराहना की। उन्होंने कहा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली एडम जंपा के बनी है, लेकिन कोहली इस बार उन्हें क्लीनर के पास ले गए, वह असाधारण थे। देश भर में आए 5,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी बुधवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 3,615 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 32 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 9 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 99,936 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 30 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, राकेश शर्मा, नुनू कुमार, रंजीत मिश्रा, कलामुद्दीन अंसारी, शंकर मुखिया, मुतुर रंगीला, कुलदीप कुमार, अनवर करीम खान, भान प्रकाश मौर्य, रवि कुमार, राजकुमार प्रसाद, अहमद रुस्ती, मृत्युंजय कुमार, पवन सिंह। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाना चाहिए? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।